भारत को इस हिंदू राजा ने बनाया था सोने की चिड़िया। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस देश को सोने की चिड़िया किसने बनाया? भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाले थे राजा विक्रमादित्य। महाराज विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत सोने की चिड़िया बना। इस काल को भारत का स्वर्णिम काल माना जाता है। उज्जैन के राजा गणधर के 3 संतानों में सबसे छोटे थे राजा विक्रमादित्य। कहा जाता है कि आज हिंदुस्तान की संस्कृति और विश्व में भारत का इतना नाम केवल विक्रमादित्य के कारण ही बन पाया है। इस राजा के शासनकाल में विदेशी व्यापारी भारत के कपड़े को सोने के वजन से खरीदते थे। इस वजह से भारत में इतना पैसा आ गया था कि उस काल में मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के चलते थे। पराक्रमी, बलशाली और बुद्धिमान विक्रमादित्य ऐसे राजा थे जिनके हर नियम धर्मशास्त्र के अनुसार हुआ करते थे। भगवान राम के बाद विक्रमादित्य का शासनकाल सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस काल में प्रजा धर्म का पालन करती थी। भारत को इतनी समृद्धि और संस्कृति प्रदान करने वाले राजा विक्रमादित्य को बहुत ही कम लोग जानते हैं। देश में उन्होंने भगवान विष्णु और शिव के अनेक मंदिर बनवाए और सनातन धर्म की रक्षा की। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे कालिदास, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। इस ग्रंथ में भारत का पूरा इतिहास समाहित है। जब भारत में उसी के ग्रंथ खोने की कगार पर पहुंच गए थे, तब राजा विक्रमादित्य ने देश की बागडोर संभाली और सनातन धर्म के साथ साथ भारतीय संस्कृति को भी समृद्ध बनाया। कहा जाता है कि महाभारत और रामायण जैसे महाग्रंथ खो गए थे, महाराजा विक्रमादित्य ने पुनः खोजकर स्थापित करवाया। आज अगर भारतीय संस्कृति जीवित है तो उसके पीछे राजा विक्रमादित्य का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य की वजह से भारत इतना सक्षम बन पाया क्योंकि उन्होंने ही कपड़े को सोने के भाव बेचकर देश को सोने की चिड़िया कहलाने का मौका दिया था। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके उनकी महानता में 4 चांद लगाएं और राजा विक्रमादित्य के बारे में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। धन्यवाद।